गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू दोज, हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी की। फ्रेंड्स, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपने कैसे त्यौहार सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं। और मैंने भी कोशिश की है आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में रहें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पांव में महार लग चुका है फ्रेंड्स, और ये देखिए पूजा की तैयारी हरितालिका तीज की। और देखिए ये कितनी सुंदर बनाया गया है, ये चौक पूरना कहते हैं इसको हम लोग। देखिए कितना सुंदर चौक पूरा गया है। और देखिए ये इसके बाद इसकी सजावट की गई है, डेकोरेशन किया गया है। और आज के दिन हमारे यहाँ हरितालिका तीज के दिन फुलारा घलता है, फुलारा डाला जाता है, मतलब पत्ती और फूलों से बना करके भगवान के ऊपर जो चीज़ लगाते हैं उसको फुलारा बोलते हैं। और ये देखिए ये फुलारा लटक रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी है, पहले चौक पूरा गया फिर उसके बाद रंगोली बनाई गई। ये देखिए ये शंकर पार्वती जी को पट्टे पर बिठा दिया गया। शंकर पार्वती जी की पूजा आज मेन करी जाती है हरितालिका तीज के दिन, और आज बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखना पड़ता है। और देखिए ये हमारे यहाँ आज से अठवाई भी बनाई जाती हैं देवी माँ के लिए और भगवान के लिए। ये पूरी थाली, और इसमें कितने भी प्रकार के आप पकवान बना लें कम है। ये देखिए फुलारा कितना सुंदर लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। बेटे ने कर दी थी फ्रेंड्स, तो उसको बहुत शौक लगता है तो वो कर देता है, और पतिदेव भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। और ये देखिए पूजा करते हुए सबसे पहले कलश की पूजा, धरती की पूजा, गणेश जी की पूजा, फिर उसके बाद भगवान की पूजा। हरितालिका तीज के दिन मिट्टी के गणेश शंकर पार्वती बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, और वो कुम्हारन हमारे यहाँ आकर के दे जाती हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसी को रख कर पूजा करते हैं। देखिए इनको भगवान को बिठा दिया है। आज के दिन निर्जला व्रत रख कर के हम लोग पूजा करते हैं, और आसें बनाना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुहागन की निशानी होती है आसें। जो सुहागवती स्त्रियाँ होती हैं वो आसें ज़रूर बनाती हैं, आटे में मीठा डाल के और उसको गोंठ के बनाते हैं साइड से। और देखिए ये पार्वती जी की पूजा। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा अब साल भर का त्यौहार है तो थोड़ा सा करना चाहिए, तो फिर सारी तैयारी की धीरे धीरे करके। और देखिए ये फ्रेंड से पूजा हो रही है। सुहाग का सामान रखा जाता है, हमारे यहाँ काली चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं आज के दिन, और जैसे शादी विवाह भी होते हैं ना तो हमारे यहाँ काली चूड़ियों का ही महत्व होता है। तो फ्रेंड्स काली चूड़ियाँ, बिंदी, महावर, ये सब चीज़ें हम लोग रखते हैं भगवान के पास। और ये मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए। आज एक तो निर्जला उपवास और दूसरा बीमारी के बाद उठ के व्रत करना थोड़ा कठिन था, लेकिन मैंने कहा नहीं करना है तो मैंने किया। और ये देखिए फ्रेंड्स पारिजात का पुष्प बहुत पसंद है शंकर भगवान को, तो वो अर्पण किया, पार्वती मैया को फूलों से ढांक दिया बिल्कुल। बहुत सुंदर सजावट करी थी आज मेरे बेटे ने। हमारे यहाँ ना इस तरीके से फुलारा सजाया जाता है, किसका कितना सुंदर फुलारा सजा, किसका कितना सुंदर तैयारी है, यही सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। और हम लोग फिर रात में हर घर में जाते हैं, जहाँ जहाँ फुलारा घलता है वहाँ वहाँ जाते हैं हम लोग, और वहाँ दो चार भजन गा करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आजकल कोरोना के बाद से थोड़ा सा कम हो गया है जाना आना, तो सब लोग अपने अपने घर में ही पूजा कर लेते हैं।
मैं ज़मीन पे नहीं बैठ पाती हूँ फ्रेंड्स, पट्टे पर बैठ करके ही पूजा करती हूँ, तो मैंने पट्टे पर बैठ करके ही, ऊंचे पट्टे पर बैठ करके ही पूजा कर ली थी। आज के दिन कोरी साड़ी पहनी जाती है, तो मैंने ये रखी थी कोरी साड़ी, तो मैंने इसे निकाल लिया और उसे पहन लिया। और देखिए ये फ्रेंड्स पूजा फूलों से सज रही है, बिंदी महावर मेरे शिव और पार्वती में बहुत सुंदर लग रही है, आरती हो रही है। फ्रेंड्स आप कैसे करते हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके। आरती के बाद ये हवन कर दिया है, आरती के बाद ये हवन, हवन करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि क्योंकि आज की पूजा में 4-5 बार हवन होम किया जाता है, 8 बजे होम लगता है, 8 बजे का हवन लगता है, 10 बजे रात में लगता है, 12 बजे और 1-2 बजे, फिर सुबह 4 बजे, फिर 4 बजे, फिर सुबह मधुमेह वगैरह गाया जाता है हमारे यहाँ, जो हमारी बूढ़ी पुरानी जो महिलाएँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसको गाती हैं। हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। और सुबह फिर उठ करके नहा धोकर फिर आखिरी पूजा कर दी जाती है भगवान की और फिर उन्हें भेज दिया जाता है। और ये देखिए मैं बैठी हूँ, आपके यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है हमें ज़रूर बताएं कमेंट। ढेर सारे पकवान बनाए आज के दिन, गुजिया पपड़िया आसें अठवाई पूड़ी सब्जी और ठेकुआ ये सब हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मन से खूब अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए भोग की थाली, पपड़िया भी बनाई जाती है फ्रेंड्स। और ये देखिए फुलारा कितना प्यारा लग रहा है, इसे बार बार हम लोगों को झुलाना पड़ता है। और जब सुबह हो गई थी तो मैंने नहा धो करके भगवान की पूजा की और उसके बाद सुहाग लेना था, सुहाग लेकर के फिर मैंने अपनी आँसें वगैरह अपनी गोदी में रखी थी क्योंकि जो आँसें वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं ना प्रसाद के लिए वो अपनी गोदी में रखना पड़ती है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम लोग सुहाग ले लेते हैं।